हेलो एवरीवन। सो आज का जो वीडियो है उसमें हम पॉलिनोमियल्स को तो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था, पर आज के वीडियो में क्या करेंगे कि हम उस कंसेप्ट को समझने के बाद इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको ये भी तो देखना है ना कि आखिर उस क्वेश्चंस का एप्लीकेशन कैसे होगा, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ें उसका एप्लीकेशन कैसे है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है या आने के जो चांसेस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, वो एग्जैक्टली ये होते हैं, ठीक है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जीरोज कैसे निकालना है इसके बारे में बताया था, और अगर जीरोज दिया गया हो तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या है वो भी मैं बताया था, याद है? अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा बीटा दो जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाय ए होगा। अब बोलोगे सर ये माइनस बी बाय ए कहाँ से आ गया? जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं या कोई भी, अगर आप कह सकते हो पॉलिनोमियल, नॉट इक्वेशन एग्जैक्टली, ये तो पॉलिनोमियल है, तो वो जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट? यहीं से आता है हमारा ए बी और सी। तो अल्फा प्लस बीटा होते हैं माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए, करेक्ट है? इसी को ही हम, इसको सॉल्व करने का जो कहते हैं ना तरीका, वो हम, मैं बताऊंगा अभी कि कैसे करना है, करेक्ट है? चलो इसको हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं, इसका काम अभी नहीं है क्योंकि यह ऑलरेडी हो चुका है, आप जानते हो, ठीक है? हम मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट है और इसको हमको सॉल्व करना है, यानी इसके जीरोज निकालने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। जीरोज कैसे निकलता है? देखो जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसको ही इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ। तो आप इसको स्प्लिट कैसे कर सकते हो, आप इसे स्प्लिट कैसे कर सकते हो, आप इसे स्प्लिट, ऑब्वियसली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो बोलते हैं हम, वही अप्लाई करेंगे ना। यहाँ पर वन है और यहाँ पर एट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एट आएगा। एट को मुझे ब्रेक करना है ऐसे तरीके से कि प्लस माइनस करने पे तो टू आना चाहिए, माइनस टू आना चाहिए, बट प्रोडक्ट उसका एट होना चाहिए। दैट्स द वे ऑफ स्प्लिटिंग, राइट? दैट्स द ओनली वे ऑफ स्प्लिटिंग एज वी नो दैट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या लगता है ऐसा कौन सा नंबर है? ये है फोर और टू, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट, इसको अगर तुम ध्यान से देखो ना तो माइनस फोर एक्स और प्लस टू एक्स मिलकर माइनस टू ही होता है, और फोर और टू को मल्टीप्लाई करने पे एट आंसर में आएगा। या आप तुम कह सकते हो कि सर माइनस एट दिया हुआ है तो माइनस एट आंसर में आएगा, करेक्ट है? इसको कर देते हैं जीरो से इक्वल, और ये हो गया एक्स कॉमन एक्स माइनस फोर प्लस टू कॉमन एक्स माइनस फोर, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ तो दो जीरोज आ रहे हैं, एक तो हो गया हमारा एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, दूसरा हो गया एक्स इक्वल्स टू फोर। माइनस टू और फोर हमारे दो जीरोज यहाँ पर आ रहे हैं, करेक्ट है? उन दो जीरोज से कैसे हम निकालेंगे? हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। देख लेते हैं, हमारा अल्फा है माइनस टू, हमारा बीटा है फोर, ये तो आ रहा है भैया टू, ठीक है? क्या माइनस बी बाई ए भी हमारा टू होगा? चेक कर लेते हैं। माइनस बी क्या होगा यहां पर, अगर तुम देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से तो बी तो पहले से ही माइनस टू है, तो माइनस ऑफ माइनस टू क्या होना चाहिए? प्लस टू होना चाहिए, होना चाहिए ना? माइनस ऑफ माइनस टू क्या होना चाहिए? प्लस टू होना चाहिए। ए क्या है? वन है, यानी हमारा आंसर भी टू बाय वन ही आ रहा है, या बेसिकली टू ही आ रहा है, करेक्ट है? यहाँ भी टू है, वहाँ भी टू है, ये वेरीफाइड है, ये वेरीफाइड है, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम की प्रोफाइल वेरीफाई होती है ना विद अ ब्लू टिक, दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशनशिप है इन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशंट्स वो इक्वल आ रहा है, करेक्ट है? चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, और दूसरा सवाल क्या है? फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन,
फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। इसीलिए ही मैंने स्लाइड को पूरा खाली इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को समझने में इसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, बस इसी पे कंसंट्रेट करो हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे। सेम लॉजिक, फोर और वन को मल्टीप्लाई अगर करें तो आंसर तो फोर ही आता है। अब फोर को ऐसे स्प्लिट करो दो पार्ट में कि प्लस माइनस करने पे तो फोर आए और प्रोडक्ट तो उसका निकालने पे भी फोर आए। ये बढ़िया है, यानी ये होगा टू टू, यही होगा ना। तो हम लिख सकते हैं फोर एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस वन। देखो माइनस टू एस माइनस टू एस माइनस फोर एस भी हो रहा है और टू मल्टीप्लाई करने पे भी फोर आ रहा है। अभी भी ये पहले दो जो हैं इनमें हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें मैं कॉमन लूंगा टू एस, ये बनेगा एस माइनस वन। इन दोनों में मैं क्या कॉमन लूंगा, सॉरी टू एस कॉमन लेने पर यह टू एस माइनस वन बनेगा ना, 2s-1। फिर यहां से मैं कॉमन लूंगा -1, तो ये हो जाएगा 2s-1। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि 2s-1 इंटू 2s-1, ये दो चीज ही आ रहे हैं, यानी s का वैल्यू आ रहा है हाफ पर दो बार, हाफ पर दो बार। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो इन द कमेंट बॉक्स, इन माई प्रॉपर चैनल्स, इन माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, कहीं भी आप क्वेश्चन पूछो, इट डजेंट मैटर्स। बस क्वेश्चन का, आपकी क्वेरी का जवाब आपको जरूर मिलेगा, ये तो गारंटीड है। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 और 1/2। अगेन आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो क्योंकि हमारा अल्फा जो है वो है 1/2, हमारा बीटा जो है वो भी है 1/2, करेक्ट है। और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अरे पिछले क्वेश्चन में मैंने अल्फा इंटू बीटा का वेरिफिकेशन नहीं किया, बट वो भी हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, ये भी तो एक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाफ एंड हाफ तो वन होता है, हाफ प्लस हाफ को ऐड करेंगे तो वन ही आएगा। एक बार चेक कर लो यहाँ भी हो रहा है क्या, -b/a क्या होगा। देखो बी जो है वो है -4, -b जो है वो क्या हो जाएगा, फोर। फोर डिवाइडेड बाय ए क्या है, फोर। तो आंसर क्या आ रहा है, 4/4, वन ही आ रहा है। अगेन वेरीफाइड, नो इश्यूज। अल्फा इंटू बीटा क्या है, हाफ इंटू हाफ जो कि है 1/4। सी बाय ए क्या है, सी है हमारा 1, ए है हमारा 4, 1/4, अगेन वेरीफाइड। ये भी वेरीफाइड सवाल है, काम खत्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, आसानी से आराम से कर सकते हो, कोई इसमें टेंशन लेने वाली और डरने वाली बात नहीं है। इफ कंसेप्ट इज क्लियर देन यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस, द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन मैथमेटिक्स इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और यू कैन से द की, मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन मैथमेटिक्स। 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x। यहाँ पर भी अगर आगे बढ़ोगे सेम चीज होगा, 7 6 42, 42 को इस तरह। एक सेकंड बच्चों, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये है कि मैं भी फ्लो फ्लो में पढ़ाते पढ़ाते आगे बढ़ गया, बट हमेशा क्या करोगे ना, जो भी चीज़ दिया गया होगा उसको अरेंज करोगे, अरेंज इन द सेंस। यहाँ पर देखो 6x² - 3 - 7x, करेक्ट है, 6x² - 3 - 7x। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होना चाहिए 7x - 3, करेक्ट ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जैसे 6 × 3 18, 18 को हम स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, जो प्लस माइनस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 18 आए, तो ये तुम जान जाओगे ये होता है 9 और 2। 6x² - 9x + 2x - 3, तो ये हो जाएगा, इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे हम 3x को, ये हो जाएगा 2x - 3, प्लस 1 कॉमन यहाँ चला गया 2x - 3। ओके, सो ये हो जाएगा 3x + 1 और 2x - 3। तो अगर 0 निकालना चाहोगे तो x होगा हमारा -1/3,
और यहाँ x होगा हमारा 3/2, करेक्ट है? नाउ यू कैन इजीली स्टैब्लिश द रिलेशन ऑफ मीन्स इन द कोफिशियंट्स एंड वो जो हमारा कॉन्स्टेंट्स है, करेक्ट? ओके हम क्या कर सकते हैं अगर हमारे पास दो जीरोज़ आ गए हैं, ठीक है, जैसे एक्स है -1/3, एक्स है 3/2, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अल्फ़ा ही हो गया ना हमारा -1/3, करेक्ट है, और बीटा हो गया हमारा 3/2। तो यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो आप रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हो, करेक्ट है? रिलेशन को वेरीफाई कैसे करेंगे, आप जानते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू, यस, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फ़ा इन टू बीटा इज इक्वल्स टू वॉट, सी बाई ए। पर ठीक है, चलो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई ए को कर लेते हैं। हम जानते हैं, देखो यहाँ पर ए क्या है, 6 है, बी क्या है, -3 है, -7 है, सॉरी, सी क्या है, -3 है। क्यों? क्योंकि हमने अरेंज्ड किया है ना इसको, प्रॉपर अरेंज करके ही तो आप निकालोगे ना। तो देखें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -1/3 प्लस 3/2 को अगर हम करते हैं, अल्फ़ा और बीटा को प्लस करते हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है बेसिकली -2 प्लस 9/6 क्या हो गया, 7/6। ठीक इसी तरह अगर मैं -b/a को चेक करूँ तो -b क्या है, देखो b तो ऑलरेडी -7 है, तो -of -7 क्या होगा, -of -7 क्या होगा, 7 ही होगा ना, और नीचे a क्या है, 6 है, तो 7/6 आया, करेक्ट है, बहुत आसानी से हो गया वेरीफाई, करेक्ट। ये चीज़ें तो क्लियर हो गई, अब हम मूव करेंगे दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी स्टूडेंट्स, 4u² प्लस 8u, यह है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इन दोनों को ही देखकर ये तो क्लियर क्लियर पता चल रहा है हमको कि यहाँ पर मैं कुछ कॉमन तो ले सकता हूँ, राइट ना। सबसे पहले लिख लेते हैं, a क्या है, 4 है, b क्या है, 8 है, c क्या है, कांस्टेंट में तो कुछ नहीं है, यानी कि 0 है, कांस्टेंट के जगह पे तो कुछ है ही नहीं, यानी कि इट्स 0, राइट। तो 4u कॉमन लेने पर ये हो गया u प्लस 2, करेक्ट है, करेक्ट है, चलो बढ़िया। 4u कॉमन लेने पर ये हो गया u प्लस 2। अब मैं क्या करूँगा, 4u इज इक्वल्स टू 0, u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ इस होप में कि आप लोग को आएगा। 4u इक्वल टू 0 करने पे u 0 आएगा, u प्लस 2 इक्वल टू 0 करने पे u माइनस 2 आएगा, और देखो अल्फ़ा क्या हो गया, 0 हो गया, बीटा क्या हो गया, -2 हो गया। रिलेशन स्टेब्लिश कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -2, 0 - 2 इज -2, राइट। तो -b/a भी क्या -2 होगा, देखते हैं, -b तो होगा -8, a तो होगा 4, ये हो जाएगा -2। चलो भैया ये रिलेशन भी स्टेब्लिश हो गया, यानी ये वेरीफाई हो गया, क्लियर है, आई डोंट थिंक एनीवन विल हैव एनी डाउट इन दिस। अल्फ़ा इनटू बीटा क्या होता है, आप बोलोगे सर c/a होता है, अल्फ़ा उठाओ यहाँ से, 0 इंटू बीटा हो गया -2, यही है ना, कहीं गलती तो नहीं हो रही ना डेटा में, नहीं हो रही, 0 इंटू -2, तो ये हो गया 0, ठीक है, 0 और -2 को मल्टीप्लाई करने पे तो 0 ही आएगा। अब c/a का देखते हैं क्या होता है, c जो है वो पहले से ही 0 है, तो करने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो 0 ही आने वाला है, ठीक है ना, 0/4 तो 0 ही होगा, करेक्ट। तो ये भी वेरीफाई हो गया, समझ में आ गई बात, बहुत ही सिंपल है, हाँ सिंपल है या हार्ड है, बहुत ही सिंपल है बच्चे लोग। चलो अब दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, जो कि है t²-15। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब जो ये t²-14 लिखा है, 15 लिखा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर तुमको सबसे पहले क्या करना है कि ए बी और सी को निकाल के उसका डेटा पहले से लिख देना है, जैसे हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, ठीक है, करेक्ट है, देख रहे हो। ए क्या होगा यहाँ पर, कौन बताएगा, ए होगा 1, क्योंकि t² का कोफिशियंट क्या है, 1 है। बी क्या होगा, 0, क्योंकि t का कोफिशियंट तो कुछ नहीं है ना, मिडिल टर्म तो यहाँ गायब है। और सी हो गया -15, क्लियर है, यानी यहाँ भी हम अल्फ़ा और बीटा का दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना, कैसे निकालेंगे अल्फ़ा बीटा, t²-15=0, बस। तो t² क्या हो गया, 15 के बराबर हो गया, तो t क्या हो गया, √15 के इक्वल हो गया। √15 का मतलब हम क्या लिखेंगे, हम सिर्फ √15 नहीं लिख सकते ना, हम √±, या ±√15 लिख सकते हैं, √ में नेगेटिव भी आता है। तो अल्फ़ा हो गया हमारा √15 प्लस पॉजिटिव वाला,
बीटा हो गया रूट 15 नेगेटिव वाला, करेक्ट है, चीज़ें समझ में आ रही है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, कर देते हैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 जो कि हो जाएगा रूट 15, रूट 15 क्या होता है, 15 होता है बट एक माइनस भी है तो माइनस 15 होगा, ठीक है, जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा को सी बाय ए होना चाहिए ना, तो देखें सी बाय ए होता है क्या, सी तो है हमारा माइनस 15, ए है 1, तो देखो यहाँ पर ये भी हो रहा है माइनस 15, यानी ये भी रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश्ड है यहाँ पर, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, बी बाय ए होता है, और ऐसे यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, रूट 15 प्लस माइनस ऑफ रूट 15, तो रूट 15 माइनस रूट 15 जो कि हो गया 0। माइनस बी बाय ए क्या होगा, देखो बी तो पहले ही 0 है तो 0/1 विल बी 0 ओनली, ये भी वेरीफाई हो गया, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरीफाइड क्लियरली। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन सेट के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है 3x² - x - 4, ठीक है। चलो भैया 3x² - x - 4, तो ये क्या होगा, ए हो जाएगा हमारा क्या 3, बी हो जाएगा -1 और सी हो जाएगा -4। सेम थिंग आप ऑलरेडी कर रहे हो, क्वेश्चंस इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आपको तो पता ही होगा किसे स्प्लिट कैसे करेंगे ना, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो 12 आता है, 12 को इस तरह से स्प्लिट करो कि उसको प्लस माइनस करने पे तो -1 आए बट उसके प्रोडक्ट करने पे 12 ही आए, तो एक ही दिमाग है नंबर का सेट जो आता है वो यही है कि वो होगा 4 और 3, ठीक है ना, 4 3 12 भी होता है और 4 और 3 का डिफरेंस जो है वो 1 भी होता है, बट यहाँ पर हमको -1 लाना है, आपको -1 लाना है, यानी आप यहाँ पर क्या करोगे -4x + 3x - 4, इस तरह से आप स्प्लिट कर दोगे। स्प्लिट करने के बाद कॉमन लेना है, पहले दो टर्म में x कॉमन ले लेंगे तो ये बना 3x - 4, फिर दूसरे टर्म में क्या कॉमन लेंगे 1 कॉमन लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी 3x - 4 के फॉर्म में है, तो अब देखो क्या हो गया x + 1 और 3x - 4 हमारे दो फैक्टर्स आ गए, इसे इक्वेट करो और x की वैल्यू निकालो, x = -1 एंड x = 4/3, एम आई करेक्ट, नो डाउट्स टिल नाउ आई होप, ठीक है। x के दो रूट्स आने के बाद हम क्या करेंगे, एक अल्फा हो गया दूसरा बीटा हो गया, रिलेशन को इस्टेब्लिश करेंगे, रिलेशन को इस्टेब्लिश कैसे कर सकते हैं भैया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर लो और अल्फ़ा इंटू बीटा कर लो, ठीक है, ये लाइन का प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभार, पता नहीं क्यों ये रेज़र काम नहीं कर रहा मेरा, बट नो प्रॉब्लम, चलो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और फिर भी ट्राई कर रहा हूँ मैं बट वो काम नहीं कर रहा, ओके नो इश्यूज, आखिरकार उस वो नहीं कर रहा, पता नहीं कुछ हैंग हो गया होगा, कुछ इशू हो गया होगा, चलो कोई बात नहीं, हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। α = -1 β = 4/3, ठीक है, और यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का रिलेशन अगर लगाएंगे तो क्या होगा -1 + 4/3 जो कि हो गया -3 + 4/3 1/3, करेक्ट। और अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या होगा, पर पहले इसको तो कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a ना, यानी कि -4/3 -1 ना, -b/a है -1 जो कि हो गया 1 और अब a है हमारा 3 1/3, तो तुमको बताते बताते मैं ही कंफ्यूज हो गया, ओके नो प्रॉब्लम। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू -1 × 4/3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो आंसर क्या आएगा, हमें वही -4/3 ही आएगा, देख लेते हैं एक बार क्या ये c/a के बराबर है, तो c जो है वो हमारा -4 है, a जो है हमारा 3 है, तो हाँ -4/3 दोनों वेरीफाई हो गए, करेक्ट है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा का रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, तो कुल मिला के हमने क्या किया, हम लोगों ने सारा क्वेश्चन जो है वो इसका कर लिया। चलो अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन के सेट के तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है, ईच ऑफ विच द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रेस्पेक्टिवली, तो इससे आप क्या समझ पा रहे हो, यानी कि जो सम है
और प्रोडक्ट है इनके जीरोज़ का, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों का वैल्यूज़ गिवन है। समझ पा रहे हो ना? जैसे पहला क्वेश्चन में देखो, 1/4 और -1 दिया है, तो ये 1/4 क्या है? 1/4 जो है ये सम ऑफ जीरोज़ है, करेक्ट। और -1 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है। क्लियर हो रही है बात ना? तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है क्या बच्चों, सही है कि नहीं? तो अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर आप 1/4 लिखते हो और अल्फ़ा इंटू बीटा को अगर आप -1 लिखते हो, तो इसका एक जनरल फार्मूला है। अगर आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा है या सम ऑफ ज़ीरोज़ है, और अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है या अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो इसका एक बहुत ही सिंपल जनरल फार्मूला है। और वो क्या है वो अभी मैं आपको जनरल फार्मूला लिख कर बता देता हूँ। सॉरी, इस तरह का हर क्वेश्चन आप इस जनरल फार्मूला के थ्रू कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है? तो वो जनरल फार्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यह माइनस प्लस का खेल है भाई, ध्यान से। हाँ ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, करेक्ट है? तो इस क्वेश्चन में क्या बन जाता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस प्लस ऑफ -1। तो इसको हम डायरेक्टली -1 लिख सकते हैं, क्यों? ये तो आप जानते ही होगी, बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो -1 हो गया, करेक्ट। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, काम खत्म, डन। सो नाउ आफ्टर दैट यू कैन डायरेक्टली मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, बिकॉज ये फर्स्ट क्वेश्चन में हो चुका है हमारा सॉल्व। हाउ? अगर दूसरा सवाल देखें तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है? √2, ठीक है? और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है? दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? 1/3, ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, करेक्ट है? चलो दूसरा सवाल भी हमारा हो गया, बहुत ही आसान है। अब मूव करते हैं तीसरे सवाल की तरफ, ओके? और थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 0 और √5, यानी अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर 0 है, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर √5 है, करेक्ट है? तो अगर अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर 0 है और अल्फा इंटू बीटा √5 है, तो आप जानते हो जनरल फार्मूला मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, करेक्ट है? यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह तो हम 0 पुट करेंगे, तो ये 0 इंटू एक्स प्लस √5। फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, या हमारा पॉलिनोमियल क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस √5 ओनली, बीच का टर्म तो टोटल 0 है ना, ठीक है? बात समझ में आ रही होगी, बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई इसमें कुछ हार्ड नहीं, कोई टफ नहीं, सिंपल, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब हम मूव करेंगे अपने दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है, जो कि है फोर्थ बिट। तो फोर्थ बिट में क्या दिया हुआ है देखें, एक बार नज़र घुमा के देखें। फोर्थ बिट में 1/1, यानी अल्फा प्लस बीटा भी हमारा 1 है और अल्फा इंटू बीटा भी हमारा 1 है। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, इजी है पर अच्छा है। अल्फा प्लस बीटा भी 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस वही बात, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, सेम थिंग। तो इसमें क्या ही हार्ड है, कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, गॉट इट। अब मूव करें फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में -1/4 और 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा जो है वो है 1/4, ठीक है? तो यहाँ पे तो हम जनरल फार्मूला जानते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1/4, करेक्ट? माइनस ऑफ, क्योंकि माइनस फार्मूला में है और पहले से अल्फा प्लस बीटा माइनस है, तो माइनस ऑफ -1/4 एक्स प्लस 1/4, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इट्स वेरी इजी थिंग, नथिंग हार्ड इन दिस, ठीक है? चलो भैया, लेकिन इससे हार्ड क्वेश्चन आता है जब आप थोड़े से और हायर लेवल में जा रहे हो, मतलब कि आप फाउंडेशन पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है?
तो उसमें आता है। और हाँ, बहुत बच्चे इसमें क्या करते हैं ना, ये मैं अभी जो आपको करके दिखाया ये कि यहाँ पर ज़ीरो नहीं लगाना है, करेक्ट है? क्यों, क्या होगा अगर मैं ज़ीरो लगा दूँ? तो ज़ीरो लगा देने से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और हम यहाँ पर निकाल लें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो अब 6 नंबर पे चलते हैं जो कि है 4 1। ठीक है, वो यहीं पे कर लेते हैं, ज़्यादा जगह नहीं लेगा। 6 नंबर, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 4, अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया 1। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया 1, यानी अगेन द सेम जनरल फॉर्मूला विल यूज़ हियर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 1, दिस विल बी अवर आंसर। ओके, एंड विद दिस वी कंप्लीटेड द होल एक्सरसाइज। ओके, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा अभी करंट सिलेबस में कुछ चीज़ें हैं, नहीं है। बट अगर आप जेई फाउंडेशन पढ़ रहे हो तो उसमें आपको कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन मिल सकते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी फ्री में। मैं आपको फ्री में इसके नोट्स दूंगा और फ्री में मैं आपको अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस दूंगा, दैट्स आल्सो इन फ्री। सो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, बी हेल्दी, हैव अ गुड डे।